गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास टू में हिंदी पढ़ेंगे पार्ट 15 समानता। तो बच्चों हम लोग किताब के साथ पढ़ते हैं पार्ट 15 समानता। पात्र परिचय। माँ पिताजी, राहुल बेटा, रेखा बेटी। माँ थैला लिए हुए प्रवेश करती है। राहुल, माँ क्या लाई हो? माँ, देखो यह तुम्हारी कमीज। राहुल, बस एक कमीज? माँ, नहीं तो टी शर्ट और कुर्ता पैजामा भी है। राहुल, वाह बहुत अच्छा मेरी प्यारी माँ। राहुल गले से लग जाता है। रेखा पीने के लिए पानी का गिलास देती हुई, माँ मेरे लिए क्या लाई हो? माँ, बेटी तेरे पास तो बहुत कपड़े हैं, तुझे और क्या चाहिए? रेखा, माँ राहुल के पास तो मुझसे भी ज़्यादा कपड़े हैं। माँ, तू उसकी बराबरी मत कर, वह तो लड़का है। पिताजी प्रवेश करते हुए, लड़के लड़की क्या का क्या मतलब है जी? राहुल, पिताजी रेखा नाराज है। पिताजी, क्यों क्या हुआ? माँ, नहीं जी कुछ नहीं, मैं राहुल के लिए कपड़े लाई हूँ इसीलिए। पिताजी, तो रेखा के लिए क्यों नहीं लाई? तुम्हें लड़के लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, इससे आपस में प्यार घटता है। माँ, लेकिन इसमें भेदभाव क्या है? पिताजी, दोनों से बराबर प्यार करना चाहिए। माँ, देखो रेखा को तो घर में ही रहना है, राहुल को तो बाहर के काम करने पड़ते हैं। पिताजी, राहुल ही क्यों, रेखा भी तो बाहर के काम कर सकती है। माँ, लड़कियाँ कैसे बाहर के काम कर सकती हैं? पिताजी, क्यों नहीं, इंदिरा गांधी भी तो लड़की थी जिन्होंने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया था। माँ, सब इंदिरा गांधी नहीं बन सकती। पिताजी, देखो कल्पना चावला आकाश में जाने वाली भारत की पहली लड़की थी। रेखा, माँ मदर तेरेसा का नाम सुना है? माँ, नहीं। राहुल, हाँ मदर तेरेसा सारी दुनिया में घूम घूम कर दीन दुखियों की सेवा करती थी। पिताजी, उन्हें कई बार सम्मानित किया गया। राहुल, माँ मीराबाई भी तो लड़की थी, उनका कितना नाम है, उनके भजन आज भी गाए जाते हैं। माँ, अच्छा मैं समझ गई, लड़कियों ने भी घर से बाहर निकलकर खूब नाम कमाया है। पिताजी, राहुल की माँ घर से बाहर ही नहीं, घर में रहकर भी लड़कियों ने कमाल किया है। माँ, कौन कैसे? पिताजी, देखो माता जीजाबाई को, जिन्होंने बचपन से ही शिवाजी को अच्छी बातें सुनाकर वीर बना दिया। माँ, सच है लड़कियाँ भी नाम रोशन कर सकती हैं। अब मैं भी कभी राहुल और रेखा में भेदभाव नहीं करूँगी, दोनों को बराबर प्यार दूँगी। राहुल, माँ हम दोनों भाई बहन आज से मिलजुल कर प्यार से रहेंगे। माँ, ठीक है बच्चों, तुम दोनों प्यार से रहो। पार्ट 15 हमने पढ़ा बच्चों, अब हम इसका पढ़ेंगे सात आठ। दुखी परेशान, रोशन प्रकाशित, दी गरीब, खूब ज्यादा, कमाल चमत्कार, प्यार प्रेम। अब बच्चों हम लोग प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे।
प्रश्न नंबर पहले का क है, माँ किसके लिए कपड़े लाई थी? उत्तर होगा माँ राहुल के लिए कपड़े लाई थी। ख बालक बालिका में भेदभाव कौन करता था? उत्तर होगा बच्चों बालक बालिका में भेदभाव माँ करती थी। ग पिताजी ने माँ को क्या समझाया? उत्तर होगा पिताजी ने माँ से कहा दोनों से बराबर प्यार करना चाहिए। घ अंत में माँ ने क्या मांगा? उत्तर है अंत में माँ ने कहा ठीक है बच्चों तुम दोनों प्यार से रहो। प्रश्न नंबर दूसरा है खाली स्थान भरो। क बच्चों हमने खाली जगह में भर दिया है। क है मदर टेरेसा दीन दुखियों की सेवा करती थी। ख है जीजाबाई शिवाजी की माता थी। ग है लड़के लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमने यहाँ भेदभाव भर दिया है। ख है कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली लड़की थी। च होगा इंदिरा गांधी ने विश्व में भारत का नाम बढ़ाया। छ है मीराबाई के भजन आज भी प्रेम से गाए जाते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है शब्दों की सहायता से एक शब्द में उत्तर दीजिए। अंग्रेजों मसीहा लक्ष्मीबाई दुखियों। क है मदर टेरेसा गरीबों की क्या थी? उत्तर बच्चा मसीहा। ख है वह दिन रात किसकी सेवा में लगी रहती थी? उत्तर होगा दुखियों की सेवा में लगी रहती। ग झांसी की रानी कौन थी? उत्तर होगा लक्ष्मीबाई। घ है उसने किसके साथ युद्ध किया था? उत्तर होगा अंग्रेजों के साथ। प्रश्न नंबर चार है स्त्रीलिंग बनाइए। यहाँ पुल्लिंग दिया हुआ है, हमको स्त्रीलिंग बनाना है। यहाँ पे जैसे पिता माता भाई बहन लड़का लड़की पुरुष स्त्री नायक नायिका जीजा जीजी राजा रानी पुत्र पुत्री। तो बच्चों आप लोग कॉपी में लिखिए, याद कीजिए और सुंदर अक्षर लिखिए और बार बार